महाराज कुछ करो, हमारी भक्ति और शक्ति खत्म होती जा रही है, हमारे सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं, अपनी धुनी में ही होम हो रही है महाराज। बस मुझे अब क्या करना है, कैसे करना है, ये मैंने अच्छे से सोच लिया है। जय महामारी। माँ मेरे को सांप ने काट लिया। क्या? बेटा मेरे बेटे क्या हुआ तुझे? मुझे तो लगता है काले नाग ने डसा है। चारण कोई तो होगा जो सांप के काटने से जीवन दान दे सके। चलो चलो भाइयों मेरे बेटे को उस तरफ ले चलो। हाँ चलो। हे धरती माँ अमृत कुंड तो नाग लोक में है, मुझे रास्ता दो। जय महामारी। देर हो रही है माँ मुझे रास्ता दो। जय महामारी। क्या तो मुझे रास्ता नहीं देगी? जय महामारी। तो फिर मुझे माफ करना। हमें सवेरे का सूरज उग जाए, खोड़ल अभी तक नहीं आई। जय सूरज दादा। मेरे लाल माँ खुड़ियार, आज आठम का आठ आठ उपवास करके लड़कियां सर पर घड़ा लेके खड़ी हैं। इनकी इच्छा नवदुर्गा के दर्शन करने की है, फिर ही गरबा घूमेंगी। इनकी इच्छा पूरी कर हे माँ खुड़ियार। में समा गई। हाँ अवश्य कोई भेद है। आओ खोड़ियार आज हमारे साथ गरबा खेलने आई। मैं आई हूँ आपको न्योता देने को कि आज मानव के साथ खेलने आओ। जिनकी श्रद्धा पक्की है उन्हें तुम में हमारा ही स्वरूप दिखेगा। जय माता जय।
यही है, है? वो यही जगह है जहाँ मैंने खोडियार को जाते देखा है। इसमें देवी का वास है। ऐसा, जिसमें देवी का वास है उसका मैं सर्वनाश कर दूंगा। जो चमत्कार आपने अपनी नजर से देखा वही माँ खोडियार का प्रसाद है। माँ खोडियार? हाँ, जिनकी निशानी इस महल के ऊपर है। धन्य है माँ तू। बोलो माँ खोडियार की जय। बोलो माँ खोडियार की जय। बेटा मेरे लाल वैद्यराज, मेरा लाल आंखें क्यों नहीं खोलता? रानी माँ, उपचार तो सब करके देख लिया, पर जब औषधि काम न करे तो प्रभु पर ही श्रद्धा रखनी चाहिए। रानी, तुम्हारी आंख में आंसू? कुमार को क्या हुआ? आज दो दिन से मेरे लाल ने आंखें नहीं खोली और वैद्यराज की औषधि भी काम नहीं कर रही। रो मत रानी, मेरे हाथ में माँ खोडियार का प्रसाद है। माँ का आशीर्वाद मतलब सबसे बड़ी औषधि। जय हो माँ खोडियार। धन्य है माँ भवानी, मानगढ़ के महल में जिनका स्थान है, उस माँ खोडियार का प्रताप तो देखो। हे माता भवानी, महल में आपके त्रिशूल में सिंदूर और चुंदी उड़ा के मेरे लाल को पैर पड़ा के तेरी मानता के उपवास का पालन करूंगी। महल का दरवाजा खोलो भाई, हम माँ खोडियार की मानता करने आए हैं। इस महल का दरवाजा नहीं खुलेगा। ए भैया, हम यहाँ माँ खोडियार के दर्शन करने आए हैं, दुश्मन की तरह नहीं आए हैं। तो दुश्मन की तरह आओ, ये असुरराज दुश्मनों की राह देख रहा है। दुश्मन की तरह आए होते तो तोपों के गोले से दरवाजा खुलवा लेते। ऐसा, इतना अभिमान? ये अभिमान नहीं है, मैं तो आपसे विनती कर रही हूँ। भैया मैं तो खुद एक राजपुतानी हूँ, राज रानी हूँ, घड़ी में इन सब को धूल चटा दूंगी, पर ना, इन महल के ऊपर मेरी माँ खोडियार विराजी हैं, और ये तो देवियों का दरबार है। इस जगह देवियों की नहीं,
मेरी सत्ता चलती है असुर राज की। समय के साथ को पहचान लो, माँ खोड़ियार के प्रताप को मान लो, नहीं तो ये महल में तोपों के गोले चलेंगे। अरे इस तोप के गोले को तो ये असुर राज चबा जाएगा। तो जाओ राज में जाके मेरा संदेश दो, सेना को तैयार करो, तोप के गोलों से इस महल को जला के राख कर दो, और उसके बाद ही माँ खोड़ियार की त्रिशूल में चुनरी चढ़ाकर अपने राज में पैर रखूंगी। तब तक अन्न जल हराम है मेरे लिए। ठाकुर ठाकुर, अपने घर के बाहर तोपे आएगी और माँ खोड़ियार के दर्शन के लिए आई हुई राजरानी के क्रोध से अपना घर जल जाएगा। अरे तुम क्यों घबराती हो रानी, तुम्हारे गुरुदेव असुर राज क्या इस महल की रक्षा नहीं कर सकते? ठाकुर, अरे तुम्हारी गुरु भक्ति के सागर में डूब के ये पूरा राज नष्ट होने वाला है। अब मुझे इस संसार में रस नहीं रहा, ये संसार रूपी जहरीले सागर में ये महल रहे या न रहे मुझे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा मत बोलो ठाकुर। किस लिए न बोलूं? तेरे कारण इस घर में असुर राज आया और उसके कारण ही मैंने अपना मित्र खोया, मालिक भक्ति खोई, उस सुख में मुझे मिली ये सजा। मैंने जो भी कुछ किया है वो मेरा सुहाग चुड़ा सदा अमर है, इसीलिए कलेजे पे पत्थर रखे आपकी आज्ञा ठुकराती रही और असुर राज की आज्ञा मानती रही। रानी, असुर राज को मैंने हमेशा एक साधु के रूप में गुरु माना है, उनकी आज्ञा मानी जिससे मेरा सुहाग कभी न उजड़े। मैं जानती हूँ माँ खोड़ियार की शक्ति के आगे इनकी शक्ति कुछ भी नहीं, पर इसके पाप के कारण इस महल में तोप नहीं चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए ठाकुर, नहीं चलनी चाहिए। रो मत रानी, उठो, जो बोझ तुमने अपने मन में रखा है वैसी ही पीड़ा मैंने भी सहन की है, पर मैं क्या करूं? हाँ मामरदेव, हाँ रानी, मेरे मित्र मामरदेव की शरण में जाओ जिसके आंगन में माँ खोड़ियार खुद ही वास करती है। हाँ रानी, उसकी शरण में जाओ रानी, जाओ। हाँ ठाकुर। रानी, मेरे आंगन में चारण, इनसे कह दो मैं इनका मुंह भी देखना नहीं चाहता। मामरदेव, मामरदेव, खोड़ियार के बापू, किसी दिन तो अपराधी को अपराध मानना पड़ता है। मामरदेव, आंगन में आए अपराधी का अपराध तो राज सिंहासन के राजा देखते हैं, चारण नहीं। इसीलिए तो आई हूँ, चारण के आंगन में अपराध का पेड़ नहीं उगता, उसके आंगन में फूल खिलते हैं। राजमाता, जैसे आई हो वैसे ही वापस चली जाओ। मैं तो तुम्हारे आसरे आई थी। आसरा? अरे आसरा तो तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव असुर राज का है। देव नहीं, राक्षस, और राक्षस को पहचानने में तो देवों से भी भूल हो जाती है, फिर मैं तो इंसान हूँ। लो मैं जाती हूँ। राजमाता, जाके लोगों से कहूंगी चारण के आंगन में अब जहर का कटोरा मिलता है, अमृत की आशा लेके कोई मत जाना। ऐसा मत कहो राजमाता, आसरा तो मैं तुम्हें दूंगी, रखवाली करेंगी माँ भवानी। खोड़ियार के बापू, इस आंगन में खोड़ियार खेल के बड़ी हुई है, इस आंगन में आने वाले ऐसे मुंह नहीं फेरते। हाँ खोड़ियार की माँ, ये बात सही कही तुमने। पूछो राजमाता से कि क्या आशा लेके आई है यहाँ। महल पर असुर राज के पाप के कारण तोप लग रही है। राजमाता। हाँ, राजगढ़ को तुम्हारे भरोसे सौंपने आई हूँ मामरदेव, वर सच्चा वही महल संभाले। ये सच है राजमाता, पर मैं आपको अभय वरदान देता हूँ कि उस तोप के गोले के सामने मैं अपनी सेना खड़ी करूंगा।
माँ खोड़िया तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो। खोड़िया हुकुम दो तो सेना को आक्रमण के लिए महल की तरफ बढ़ने के लिए आज्ञा दूं। राजन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है, पधारो। जवानों जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए हाथ में हथियार लो। हमको हमारे राजा से नाराजगी है, मानगढ़ से नहीं। आज मानगढ़ पर तोप लगाने का समय आ गया है और मैं मानगढ़ के ठाकुर और उनकी रानी, मेरी बहन कहो तो बहन और माँ कहो तो मेरी माँ, उन्हें मैंने वचन दिया है कि मानगढ़ के तोपों से बरसने वाले गोलों के सामने मैं अपनी सेना खड़ी करूंगा। और जवानों आज हम लोगों को अपनी भूमि माँ के पिलाए हुए दूध का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। बोलो माँ भूमि की जय। बोलो माँ भूमि की। बापू बापू, जिस राज के कारण आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ी, उसी राज की रखवाली करने का आपने वचन दिया। हाँ बेटी, अवगुण तो मनुष्य में आता ही है, पर इस अवगुण को माफ करने के लिए एक अलग किस्म का हृदय चाहिए। ठीक है बापू, तो तुम्हारा दिया हुआ वचन जोगमाया भवानी निभाएंगी। उनका दिया हुआ वचन और वरदान मैंने दिया है। बेटी तूने कौन सा वचन दिया? मानगढ़ पर सेना लेके आने वाले को मैंने वचन दिया है कि तेरी तोपों के साथ मैं रहूंगी। ठीक है बापू, माँ मान को दिया दूध का कर्ज तुम अदा करना, पर चमत्कार के भरोसे धरती की रक्षा नहीं होती। धरती जिसकी मानता मांगे, उसके नारियल और ध्वजा की मानता मानने के लिए धर्म और धरती नहीं जल सकती। रास्ते में सिंदूर बिछा दो। रुक जाओ। राजन ये लाव लश्कर और तोप लेके हमारे गांव में मेहमान बनने आए हो? मेहमानी करने नहीं, पर दुश्मनों को मौत का मेहमान बनाने आया हूँ। ठीक है राजन, तो मेरे जीते जी मेरे मानगढ़ के महल के दीवारों पे तुम्हारे तोप के गोलों के निशान नहीं बनने दूंगा। तुम मुझे रोकने वाले कौन? रोकने वाला? अरे युद्ध के मैदान में रोकने वाले की पहचान तो उसकी तलवार की धार से होती है। और अभी तो राजा से यही कहूंगा कि एक दुश्मन के कारण पूरे मानगढ़ का नाश उन्हें नहीं करना चाहिए। हाँ, पर उस दुश्मन ने मेरी रानी का अपमान किया, महल का दरवाजा बंद करवा के माँ खोड़ियार के दर्शन करने से रोका है उन्हें। कौन है तुम्हारा दुश्मन? ठाकुर मान सिंह? ठाकुर मान सिंह? भूल हुई है राजवीर, भूल हुई है। अरे ठाकुर मान सिंह तो निर्दोष है, तुम्हारा असली दुश्मन तो है असुर राज, जिसकी सत्ता मानगढ़ के सिंहासन पर राज कर रही है। और उसके बाद भी अगर तुम्हें मानगढ़ के महल के दीवारों पर अपने तोप के निशान बनाने हो, तो उस गोले को सहने के लिए चारण अपनी छाती तान कर खड़ा है राजन। चारण? हाँ राजन, चारण। और तुम्हें जो खून की प्यास लगी है ना, तो ये चारण अपना खून देकर तुम्हारी प्यास बुझाएगा। लेकिन चारण के खून के छींटे उड़कर कहां तक जाएंगे इस बात को तुम जानते हो ना राजपूत? जानता हूं चारण, पर अब अपनी पहचान तो बताओ। पहचान? राजन पहचान तो इतनी ही है कि तुमने जिसे दुश्मन का नाश करने का वचन दिया है ना, उस खोड़ियार का मैं बाप हूं। बाप? खोड़ियार के बापू? शांत हो जाओ, आपकी आज्ञा यही मेरा धर्म। राजन धर्म तो एक ही है कि दुश्मन का नाश। हाहाहाहा
रुक जाओ। कोई लिवा नरेश, तू मेरे जीते जी तू इस महल में तोप चलाएगा है? माँ, आज पूरे 8 दिन हो गए। जिसने तेरी मानता के लिए अन्न जल छोड़ रखा है, क्या वो तेरे स्थान पर जान देगी? सहायता कर माँ, सहायता कर। राजन, इस असुर का अंत तुम्हारे हाथों नहीं, मेरे ही हाथों होगा। बोलो माँ खोड़ियार की जय। माँ मरदेव, जय माँ खोड़ियार। सबका वचन और वरदान आदि शक्ति भवानी ने ही निभाया है। लो पधारो, माँ भवानी हमेशा तुम्हारी सहायता करेगी। माँ, आज ऐसे खुशी के मौके पर बेटा अपनी माँ से कुछ मांग करे तो माँ उसकी आशा पूरी करेगी ना माँ? ऐसा मांगना कि जिसे सबका कल्याण हो। हाँ माँ, मेरी गोहिलीवा की धरती पर अपने चरण कमल रख के मेरी प्रजा को दर्शन देने पधारो माँ। तेरी ये मांग कहीं आज की विजय का परिणाम तो नहीं ना? ना माँ ना, ये तो मैं अपनी भक्ति और श्रद्धा के शब्द फूल आपके चरणों में रख सकूं इसलिए। श्रद्धा और भक्ति की जोत आंधी और तूफान की हवा से बुझ तो नहीं जाएगी ना? माँ, सच्चा तो परीक्षा दे के ही साबित होता है ना? ठीक, आती हूँ। लेकिन जिस जगह आंधी के भ्रम में पीछे मुड़कर देखा कि मैं आ रही हूँ कि नहीं, उस जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगी। माँ खोड़ियार की इन बातों को सच्चा मोती समझ के सर पर लगाता हूँ माँ। Baby।
कर देखा कि मैं आ रही हूँ कि नहीं, उस जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगी। माँ मेरे रथ से उतर गई। हाँ राजन, तुमने जिस भी कारण से मुड़ के देखा वो निमित्त बन गया। तेरी इच्छा थी ना कि मैं धरती पर अपने कदम रखूं? हाँ माँ। माँ इस धरती पर आपके होने का एहसास हो ऐसी आशीष दो माँ। इस धरती पर सब जगह मेरा आशीष का प्रताप रहेगा। जय माँ खोड़ियार, तेरी जय हो। का